कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में पदस्थापित होमगार्ड के जवान ददन पांडे की बीती रात इलाज के दौरान टाटा मुख्य अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं शनिवार को जवान के पार्थिव शरीर को होमगार्ड मुख्यालय लाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव लेकर परिजन जवान के पैतृक गांव सिवान पहुंचे। इससे पूर्व मृतक जवान के दाह संस्कार के लिए होमगार्ड डीएसपी अशोक कुमार द्वारा 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग परिजनों को दिया गया। साथ ही भरोसा दिलाया गया है कि जवान के आश्रितों को 2,00,000 का मुआवजा भी संस्थान के द्वारा दिलाया जाएगा। इसके अलावा ऑन ड्यूटी मौत होने के कारण जवान के आश्रितों को नौकरी भी दिलाई जाएगी। इधर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा विभाग के इस पहल की सराहना की गई है। साथ ही सरकार से मांग की गई है कि मृतक जवान के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी अविलंब उपलब्ध कराए। वैसे झारखंड के होमगार्ड जवान अपने इन्हीं सब मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलित भी हैं। होमगार्ड के जवान थे और इनकी प्रतिनिधि एमजीएम अस्पताल में थी। अचानक 29 तारीख को इनकी तबीयत खराब हो गई तो बेहतर इलाज के लिए पीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां 30 तारीख के रात्रि में इनकी मृत्यु हो गई। ये बक्सर के रहने वाले सिवान के रहने वाले। अभी इनको सलामी दिया गया है और इनके शव को इनके पैतृक गांव सिवान भेजा जा रहा है।